बताओ, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं स्टडी फॉर ऑल से सानवी जायसवाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे एंजियोस्पर्म का टॉपिक होने वाला। किसका? एंजियोस्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवृतबीजी पौधा। तो अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसार का सबसे विकसित पौधा यानी सबसे डेवलप्ड प्लांट किसका होता है, संसार का सबसे बड़ा वर्ग का पौधा भी किसे माना गया है? आवृतबीजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। अगर बात की जाएगी इसमें किसका निर्माण होता है, तो इसमें किसका निर्माण होता है, तो इसमें फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है इसमें? तो इसमें फल का निर्माण होता है। तो किसका निर्माण होता है? इसीलिए क्या है, सबसे विकसित पौधा माना गया है। इसको लिखते चले जाइएगा। सबसे विकसित पौधा कौन सा है बताइए? तो सबसे विकसित पौधा किसे माना गया है? आवृतबीजी को। सब साथ में क्या है, सबसे बड़ा वर्ग का पौधा भी माना गया है, और साथ में इसमें किसका निर्माण होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट है ना, नहीं फल का निर्माण होता है। इतना समझ में आ गया ना, लिख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, सबसे बड़ा आवृत्त बीजी किसे माना गया है? तो बताइए सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा, तो सबसे बड़ा आवृत्त बीजी पौधा, वेरी गुड। क्या बोले आप सब? यूकेलिप्टिस को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूकेलिप्टिस। बोलो लिपस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपस्टिक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो यूकेलिप्टिस। कोई नहीं लिप्टिस, यूकेलिप्टिस। क्या क्या? यूके लिप्टिस। इसको दूसरा नाम सफेदा ही बोलते हैं। इसे प्यार से क्या बोलते हैं? तो इसे प्यार से क्या बोलते हैं बताओ? सफेदा ही बोला जाता है। तो बड़ा प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन आता है, वेरी गुड। क्या आता है? कैसा क्वेश्चन आता है? कैसा क्वेश्चन? क्या बोलते? कैसा क्वेश्चन आता है? प्यारा सा। कैसा क्वेश्चन आता है? कौन सा? सही बोला करो तो गोली मार देंगे। कौन सा आता है? प्यारा सा। हाँ, क्या बोल रहे थे? पर्यावरण का पर्यावरण का दुश्मन, या फिर पर्यावरण का दुश्मन, या फिर बोल सकते हैं इसे आतंकवादी वृक्ष बोला गया है। याद कीजिएगा, है ना, इसे क्या बोलते हैं? आतंकवादी वृक्ष की संज्ञा दी गई है। तो इसको किसकी संज्ञा दी गई है, जल्दी बोलिए? आतंकवादी वृक्ष की संज्ञा इसे दी गई है। तो इतना राइट डाउन कर लीजिएगा। तो यूकेलिप्टिस का दूसरा नाम जल्दी बोलो, सफेदा। हाँ, लो कुछ बताओ, इसे किसी इसे क्या बोला गया है? आतंकवादी या आतंकवादी, क्योंकि यह वेरी गुड, क्योंकि ये जल का अति दोहन करता है। अति का मतलब बहुत, तो ये जल का क्या करता है, लिख लीजिएगा, अति दोहन करता है। क्या करता है? अति दोहन करता है। और दूसरा क्या है इसके कारण? और जो इसके जैसे ये यूकेलिप्टिस है, और इसके अगल बगल के छोटे जो पौधे रहेंगे, ये इसके जड़ जानते हैं, तुरंत ये एब्जॉर्व कर लेते हैं, शोषण कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। किसको अवशोषण कर लेते हैं? किसको? पानी को अवशोषण कर लेते हैं। यानी क्या, जल का क्या कर रहा है? तो जल का क्या करता है ये? अति दोहन करता है। जल का क्या करता है? अति दोहन करता है। यानी आसपास के जितने आसपास के क्या रहेंगे बताओ? हाँ, आस पास के पेड़ पौधे क्या हो जाएंगे? सूख। हाँ, पानी के अभाव में क्या हो जाएंगे? पेड़ पौधे यानी सूख जाएंगे। किसके अभाव में? पेड़ पौधे सूख जाएंगे यानी ग्रो नहीं कर सकते। ठीक, इसीलिए इसे पर्यावरण का दुश्मन या आतंकवादी वृक्ष बोला गया है। ठीक, तो आसपास के क्षेत्र का जल शुष्क बना देता है। शुष्क मतलब सूखा हो जाता है, पूरा वहां एरिया ड्राई हो जाता है। ठीक, अगर बात की जाएगी सबसे छोटा आवृत्त बीजी, ये सबसे बड़ा था तो दूसरा क्वेश्चन ये भी, ये सबको पता होता है कि सबसे बड़ा आवृत्त बीजी कौन सा है? कौन सा? यूके लिप्टिस। तो दूसरा क्वेश्चन विपरीत में क्या बनेगा इसका, कि सबसे छोटा आवृत्त बीजी किसे माना गया है? तो बताइए सबसे छोटा आवृत्त बीजी पौधा किसे माना गया है? तो बताइए सबसे छोटा आवृत्त बीजी किसे माना जाता है? लेमना को। किसको बोलते हैं? लेमना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पेपर में अगर आए कि सबसे छोटा आवृत बीजी, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज कॉल्ड, तो लेमना। क्या बोलोगे? लेमना। वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही। तो लेमना को बोलाता है। बहुत सही बहुत सही। फिर अगर बात की जाएगी कि सबसे बड़ा बीज, इससे दूसरा क्वेश्चन पूछाएगा क्या, कि सबसे बड़ा क्या पूछाएगा बताइए, सबसे बड़ा बीज कौन सा है? तो सबसे बड़ा बीज किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो आवृत बीजी यानी एनजीओ स्पर्म के अंतर्गत आता है। तो सबसे बड़ा बीज किस वर्ग के पौधों के अंतर्गत आता है बताइए? इधर स्पर्म, एनजीओ स्पर्म। सबसे बड़ा बीज का नाम क्या अगर पूछाएगा, तो डबल कोकोनट बोला जाता है उसे। क्या बोलते हैं? बीज कोकोनट का आकृति देखा होगा, इतना बड़ा होता है। अब डबल कोकोनट मतलब डबल डबल डबल, मतलब इतनी बड़ी आकृति होती है, तो इसे क्या बोला गया बताइए?
डबल कोकोनट बोला जाता है, लिख सकते हैं। सबसे बड़ा बीज किसे माना बोला जाता है? डबल कोकोनट। सबसे बड़ा बीज किसके किस पादप वर्ग के अंतर्गत आता है? तो आवृत बीज, इसको लिख लीजिएगा, डबल कोकोनट। ठीक, अच्छा इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, डबल कोकोट कोकोनट का क्या पूछा जाता है? साइंटिफिक नेम क्या है, यानी वैज्ञानिक क्या नाम क्या है? तो बताइएगा, इसका वैज्ञानिक नाम है लोडोसिया। क्या नाम है इसका? इसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया भैया? लोडोसिया, लोडोसिया लिख लीजिएगा, लोडोसिया रखा गया है। अब सोच सकते हैं, सबसे बड़ा है डबल कोकोनट, जितने दो कोकोनट, इतने कोकोनट को क्या बोलते हैं? नारियल, मतलब दो नारियल के बराबर एक इतना एक बीज बनता है। क्या बनता है? एक बीज। और किस वर्ग के अंतर्गत इसे रखा गया है? ठीक, इसे की दूसरा नाम क्या है? डबल। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लगभग लोडोसिया जो है, लगभग क्वेश्चन, अच्छा इतना भारी होगा ना, इतना बड़ा है तो कुछ वजन भी तो होगा इसका, तो कितना किलोग्राम ये भारी है? 16 किलोग्राम इसका बीज का साइज है, सोच लीजिए 16 ग्राम। ठीक, 16 किलोग्राम। ठीक, अच्छा आपका क्वेश्चन पूछा है कोकोनट को क्या बोलते हैं? नारियल जी। क्या बोलते हैं कोकोनट को? क्या बोलते हैं? नारियल। सबसे ज्यादा नारियल के लिए फेमस राज्य कौन सा है? तो केरल। कौन सा है? केरल। तो सबसे फेमस राज्य कौन सा है? केरल। और जानते हो केरल में सबसे साक्षरता भी सबसे अधिक है। हाँ ठीक, सबसे साक्षरता भी है। और केरल में कहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षरता है? तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक, तो ये भी राइट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, सबसे अब सबसे बड़ा बीज कौन सा था? तो डबल कोकोनट, इसे क्या बोलते हैं? लोडोसिया। तो एक क्या पूछ सकता है? सबसे वेरी गुड, सबसे छोटा बीज। तो सबसे छोटा बीज कौन सा अगर पूछ लिया है तो लिख लीजिएगा, सबसे राइट डाउन कर लीजिएगा, सबसे छोटा बीज किसका है? तो ऑर्किड। किसका है भैया? तो ऑर्किड भी किस पौधे के अंतर्गत आता है? एंजियोस्पर्म। मैंने आवृत, तो सबसे छोटा बीज कौन सा है? ऑर्किड। ठीक, इसकी साइज भी तो कुछ होगी, सबसे छोटा है तो ये माइक्रोग्राम में होती है, इतनी छोटी की बहुत नगण्य होता है, समझ लीजिए। तो 20 से 25 माइक्रोग्राम, कितना? 20 से 25 माइक्रोग्राम। तो कितना होता है इसका साइज, मतलब कितना वेट होता है इसका? माइक्रोग्राम, ग्राम में भी नहीं, ग्राम से भी छोटा क्या होता है? माइक्रोग्राम। तो ग्राम से भी छोटा माइक्रोग्राम, इतनी छोटा होता है इसकी साइज होती है। तो इतनी साइज छोटी होगी तो वजन भी क्या होगा? इसका साइज ही बड़ा था तो वजन भी क्या था? कितना लोडोसिया यानी डबल कोकोनट की वेट कितनी थी? 16 किलो। और ये ऑर्किड, ये पौधा जो है, इसकी वजन कितनी है? 20 से 25 माइक्रोग्राम। समझ में आ गया जी, देख लीजिएगा एक बार। अब एक क्वेश्चन और पूछा था, याद आया कि क्या क्वेश्चन पूछेगा? सबसे बड़ा पुष्प, नाम सुना होगा आपने, रेफ्लेशिया, तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी तो लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा क्या फूल यानी पुष्प। वेरी गुड, सबसे बड़ा फूल किसके अंतर्गत आता है बताओ? हाँ, कौन सा है? क्या नाम है? रेफ्लेशिया। क्या नाम है इसका? तो सबसे बड़ा पुष्प का नाम बताइए तो क्या है? रेफ्लेशिया। अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग ये 8 से 10 किलोग्राम होता है, ये एक इतनी बड़ी, देखिए इसकी साइज देखिए, इतना बड़ा ऐसे ऐसे इतना साइज होता है इस पौधे का, लगभग कितना किलोग्राम का होता है? 8 से 10 केजी। केजी मतलब, और इसकी दुर्गंध जो आती है सड़े मांस है ना, सड़े मांस की तरह क्या आती है भैया? दुर्गंध। तो सड़े मांस की तरह इसकी दुर्गंध आती है, क्या आती है? सड़े मांस की तरह दुर्गंध। ठीक, जैसे जाओगे तो सड़ा मांस जैसे गंध आएगा, है गंध आएगी, स्मेल आएगी। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ा फूल हो गया तो सबसे छोटा फूल यानी पुष्प, तो कौन सा हो सकता है बताइए? वुल्फिया। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? तो सबसे छोटा पुष्प का नाम बताइए तो क्या हो जाएगा? वुल्फिया। क्या नाम है इसका? वुल्फिया। ठीक, किसके अंतर्गत आता है ये भी? तो ये आपका यहाँ पे कवर अप हो गया। ठीक, तो अब क्वेश्चन पूछते हैं, आपको 4 क्वेश्चन देते हैं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबको बताना है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पहला क्वेश्चन, ठीक, ये आप सबको बताना है बाद में, पुष्पों का अध्ययन किसमें किया जाता है? आपको ये बताना है कि अभी करंट अफेयर में बहुत अच्छा
क्वेश्चन आया था कि सबको रोजगार मिलेगा योजना, क्या सबको रोजगार मिलेगा, बाद में मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के बॉक्स में, सबको रोजगार मिलेगा योजना, ठीक। और क्या बोला जाएगा, और किसकी बात की जाएगी, और क्वेश्चन आएगा, अगर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भी हाल ही में क्वेश्चन आपको बताना है, हाल ही में किस पंजाबी एक्टर का निधन हुआ, पंजाबी एक्टर का ने सुसाइड किया, सॉरी निधन तो दूसरा, डेथ होता है, एक्टर ने क्या किया, सुसाइड। ये तो पता ही होगा आपको कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड से थे और पंजाबी सिंगर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन ये, और चौथा क्वेश्चन, ठीक, कि एक आवृत बीजी होता है और एक क्या होता है, अनावृत बीजी। सबसे लंबा आवृत बीजी पौधा कौन सा था, कौन सा था, यूकेलिप्टिस, कहाँ लिखा है, ठीक, यूकेलिप्टिस कहाँ गया आपका, अच्छा रफ कर दिया, यहाँ यूकेलिप्टिस था, ठीक। तो सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा का नाम बताइए, तो ये आपको चार क्वेश्चन बताना है। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा, ठीक, पुष्पों का अध्ययन किसमें करते हैं, अध्ययन में लॉजी लगती है, तो ये आपको बताना है। सबको रोजगार मिलेगा किसमें होगा, ये योजना किसने लाया, और हाल ही में किस पंजाबी एक्टर ने क्या कर लिया, आत्मदाह यानी सुसाइड कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड गो अहेड।